स्टूडेंट्स हो यार, बाकी सारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका एक क्वारी है रिगार्डिंग द BHU एडमिशन प्रोसेस कि भैया 2022 का क्या सारा सीन है। तो यार BHU का जैसे ही 2022 का जैसे अपडेट होता है पोर्टल, आपको बताया जाएगा कि क्या सारा सीन है। पहले कुछ कट ऑफ वगैरह की डिस्कस कर लेते हैं कि BHU के अंदर कितना ज़्यादा कट ऑफ जाने वाला है। हालांकि यूपी के अंदर वाराणसी के अंदर ये कॉलेज सिचुएटेड है, और अगर अपन अप्लीकेशंस की बात करें तो यार अप्लीकेशन का धमाल है यहाँ पे, आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, बच्चों के अंदर इतना ज़्यादा करेज है यहाँ पर पढ़ने का। हालांकि मैंने ऑफलाइन क्लासेस वगैरह देखी थी, दिस इज नॉर्मल क्लासेस। ठीक है, नॉर्मल रूम्स, नॉर्मल टेबल एंड चेयर। ठीक है, लेकिन जस्ट लाइक वहाँ का अगर अपन देखें, चाहे वो पॉपुलेशन वाइज जो कि ज़्यादा अप्लीकेंट्स आते हैं, या फिर किस प्रकार से इस कॉलेज का जस्ट एलुमनास इस नेटवर्क इज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा डिसेंट है। फैकल्टी की अगर अपन बात करें तो यार गजब मज़ा आ जाता है फैकल्टी को देख के। ठीक है, हरियाली, लस ग्रीन कैंपस है, बहुत ही ज़्यादा हरियाली है। ठीक है, अगर अपन बात करें यूपी और बिहार के बच्चों की, काफ़ी पसंद का कॉलेज है। हालांकि पिछले कुछ सालों की अगर अपन ROE रेशियो बात करें, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो जो कि बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे। यार रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे BHU में देखने को मिलेगा। इसके साथ यार जेंडर रेशियो जो है काफ़ी अच्छा मिल जाता है, कंपनीज काफ़ी ज़्यादा विजिट करती है। इसके साथ यहाँ पे जो फैकल्टी है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड है। जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ते हैं या फिर जस्ट लाइक पढ़ के गए हैं, उनका जो रेस्पॉन्स है, रिव्यूज है, दिस इज वेल एंड गुड, वेरी गुड। सो इस प्रकार से जो है स्टूडेंट का जस्ट लाइक यहाँ पे जो डिमांड है वो बहुत ही ज़्यादा रहती है। अगर अपन बात करें यार यहाँ पे एवरेज एडमिशन वाइज, तो जस्ट आपके जस्ट लाइक कोर जस्ट लाइक करीम वाइज बताऊँ तो एटलीस्ट 95% तक जा सकता है जेई, जो आपका जो CUET का जो होने वाला है। ठीक है, 95% तक। स्पेशली अगर मैं डिमांडेड कोर्सेज बताऊँ तो यार BA का कोर्सेज जो हो गया, ठीक है, ऑनर्स वगैरह को स्पेशल जो डिग्री हो गई। ठीक है, कुछ स्टूडेंट का मेरे पास क्वारीज थी रिगार्डिंग LLB वगैरह के जो कोर्सेज होते हैं। ठीक है, कि भैया हमको जो इंटीग्रेटेड कोर्सेज में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो जस्ट लाइक यार स्पेशली जो यहाँ पे जो ज़्यादा जो डिमांडेड मेरे पास आता है कोर्स बच्चों का, स्पेशली इन कॉलेजों के अंदर, वो ये रहता है कि भैया हमको जो है UPSC की प्रिपरेशन करना है। ठीक है, आई वॉन्ट टू कम्प्लीट माई जस्ट लाइक UPSC, एंड मुझे UPSC करना है, देन मेरे को BHU के अंदर कौन सा कोर्स करना चाहिए, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना चाहिए कि मैं उन बच्चों का कौन सा कोर्स सजेस्ट करूं। हालांकि मेरे पास जो बच्चे आते हैं उनका ये कहना है कि भैया हमको ऐसा कोर्स दिलाओ यहाँ पे, या फिर हम ऐसा कोर्स लेना चाहते हैं जो कि जस्ट लाइक स्पेशली रीडिंग से रिलेटेड हो, और जस्ट लाइक जो हमारा जो जनरल नॉलेज वगैरह से रिलेटेड हो। स्पेशली जो बच्चे चाहते हैं जैसे आर्ट्स हो गया, ठीक है, BA जस्ट लाइक BA ऑनर्स हो गया, ओके, BSc वगैरह जो कोर्सेज होते हैं बच्चों की यही डिमांड रहती है, एक सिविल इंजीनियरिंग की रहती है कि भैया हमको जो है UPSC करना है, और हम जो है इसे UG के कोर्स के साथ ही करेंगे। स्पेशली बिहार के जो स्टेट के जो स्टूडेंट हैं वो, उनकी ज़्यादा डिमांड रहती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। पहले तो यार आप लोग इतनी कम एज के अंदर, ठीक है, इतना कुछ कर रहे हैं कि हमको UPSC करना है, तो इसलिए आपको पहले तो एक बार दिल से सलाम, ठीक है, यूपी बिहार वालों को यार, जस्ट लाइक यू कैन कंट्रीब्यूट नाउ डू सो इन द इंडिया, स्पेशली IPS IAS। ठीक है, और आपके बेस से भी काफ़ी ज़्यादा निकलेंगे अगर आप यहाँ पर एडमिशन ले रहे हो तो। जी हाँ, मैं काफ़ी सालों से देख रहा हूँ यहाँ पे यूपी से जो मेरे पास बच्चों की क्वारी जाती है, या फिर बिहार से जो क्वारी जाती है, वो यही आती है कि भैया हमको UPSC करना है, वांट टू परस्यू माय UPSC प्रिपरेशन, मेरे को IAS पढ़ना है, मेरे को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना है, मेरे को ये कोर्स करना है, जस्ट मेरे को बस करना है, मेरे को प्लेसमेंट से कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता, मेरे को UPSC उखाड़ना है। ठीक है, बहुत बार तो मेरे को भी बहुत ज़्यादा जोश आ जाता है कि भाई आई कंप्लीटेड माई 18 ईयर्स और मैं भी प्रिपरेशन कर लेता हूँ, 3 साल के अंदर मैं भी उखाड़ दूंगा। लाइक यार इतना जुनून, इतना डेडिकेशन, तो मैं जस्ट लाइक आप सोच भी नहीं सकते, स्पेशली यूपी बिहार, ठीक है, किसी से कम नहीं है। ओके, गुजरात के अंदर भी काफ़ी ठीक है, हमारे यहाँ पे माहौल ठीक है, जस्ट लाइक एंटरप्रेन्योरशिप काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उन बच्चों का जब मैं देखता हूँ तो करेज इज वेल एंड गुड, एंड मज़ा आ जाता है भाई सुन के, आई रियली ऑसम। अगर आप कोई लोग वीडियो देख रहे हो तो जस्ट लाइक आपके भी ऐसा कोई विचार है, ठीक है, इफ़ यू वॉन्ट टू परस्यू जस्ट लाइक UPSC स्पेशली इन अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज,
ठीक है, तो दोस्त मुझे बताना कमेंट बॉक्स के अंदर परसेंटाइल की यार, अगर अपन नॉर्मल बताऊं लास्ट कितने तक हो सकता है, तो यार लास्ट स्पोर्ट राउंड के अंदर जस्ट थर्ड राउंड के बाद अगर लास्ट वाला राउंड आता है, वैसे कि यहाँ पर अगर किसी को मिल गया तो वो छोड़ने वाला हुआ नहीं सीट, ठीक है। एक्सेप्शनल केसेस के अंदर कुछ कुछ बच्चे छोड़ते हैं सीटें, और आप जो है लास्ट 80 to 85 परसेंटाइल मान के चलो कि इस तक यहाँ पर एडमिशन हो जाता है, वरना जिस बच्चे का हो जाता है भाई वो छोड़ता नहीं है सीटें, काफ़ी मतलब काफ़ी कम चांसेस है कि वो यहाँ से सीट छोड़ के जाए, चाहे वो डी हो, बीएचयू हो, ठीक है, जस्ट लाइक ये जामिया वगैरह में तो थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन डीयू और बीएचयू का तो तालमेल काफ़ी मतलब जस्ट लाइक स्टूडेंट का जो करेज है वो काफ़ी अच्छा है दोनों के बीच। जामिया के अंदर वो थोड़ी स्टूडेंट की कंट्रोवर्सी रहती है, ठीक है, बेसिकली मैं कुछ मानता नहीं, लेकिन जो मेरे पास जो जस्ट लाइक जो जिस प्रकार से फीडबैक है, जेएनयू के अंदर तो बच्चों का ये रहता है कि भैया वहाँ पे दंगे वगैरह होते हैं, ठीक है, ऐसा मानना है लोगों का, रियल में नहीं होता, ठीक है, कुछ जो इश्यू पॉलिटिशियन एंड अदर की वजह से, तो वो थोड़ा सा जो है वो मतलब हाइप पर रहता है। और जस्ट लाइक जामिया के अंदर मैं पर्सनली विजिट करके आया, बहुत बार विजिट करके आता हूँ, लेकिन जस्ट लाइक आप सोच भी नहीं सकते, इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक है, जस्ट लाइक दिल्ली का ओखला फेज जो भी है, ओखला के अंदर वो सिचुएटेड है, और जितने भी उसके कैंपस बने हुए हैं काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलता है, एकदम हरियाली, लश्करीन, फुल सिक्योरिटी फैसिलिटीज, अंदर ही आपको जस्ट लाइक जो भी मस्जिद वगैरह मज़ा आ जाता है, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट वॉलेंटियर्स हैं, राइट, सो जस्ट आप उसको भी टारगेट कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी को अगर एडमिशन मिल जाता है देन आप रिलीजन से ना जोड़ना कभी गाइस, ठीक है, तो इस प्रकार से यार काफ़ी मतलब फंटास्टिक है वो, ठीक है गाइस, मेरे को जरूर सब्सक्राइब करो। अगर आप जस्ट बीएचयू की बात कर रहे थे यार, मैं थोड़ा आउट ऑफ चला गया, सॉरी फॉर दिस, तो यार बीएचयू के रिगार्डिंग अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया, लेकिन जैसे ही आता है मैं आपको जरूर बताऊंगा, और जस्ट लाइक आप मेरे को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगता है, इफ यू वांट टू गेट अपडेट फ्रॉम दिस चैनल रिगार्डिंग द सीओईटी, मैं ट्राई करता हूँ कि अच्छी अच्छी अपडेट दे पाऊँ, और जस्ट लाइक आपकी फैमिली में, फैकल्टी में अगर जस्ट लाइक जो भी एनिमेटर्स वगैरह हो वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे हेल्पलाइन नंबर पे, ठीक है, स्पेशल रिगार्डिंग द यूट्यूब एंड अदर, मेरे भी और भी बहुत सारे चैनल चलते हैं, स्पेशली यार ये जो एजुकेशनल चैनल है वो मैं ऐसे ही क्रिएट करता हूँ, ठीक है, इसके ऊपर काफ़ी कम व्यूज़ आते हैं, लेकिन और इससे कोई अर्निंग वगैरह भी नहीं होती बेसिकली, लेकिन अब मैं क्या करूँ, मैं सोचता हूँ कि अगर मेरी तरफ से कुछ भी कंट्रीब्यूशन होता है तो आई विल ट्राई इट, लेकिन जस्ट आप मान सकते हो कि उतना ज़्यादा नहीं हो पाता, ठीक है, मतलब जस्ट लाइक एजुकेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा सालों तक अगर कंटेंट क्रिएट करें तो उसके अंदर जस्ट लाइक व्यूज वगैरह आते हैं, इससे अच्छा हमारा, ठीक है, टिकटॉक ही, ठीक है।